परिवार पहचान पत्र तो अभी ये हाल ही में हरियाणा में शुरू किया गया है। इसमें प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। हरियाणा सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक परिवार को परिवार पहचान पत्र पोर्टल पे अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। SFTS वायरस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ गंभीर बुखार वायरस, बुनिया वायरस परिवार से संबंधित है और टिक के काटने से मनुष्यों में प्रेषित होता है। यह एशियाई टिक, जिसे हेमोफिसेलेस लॉन्गिकॉर्निस कहा जाता है, वायरस का प्राथमिक वाहक है। यह बीमारी मार्च और नवंबर के बीच फैलने वाली बीमारी के रूप में जानी जाती है और यह अक्सर बकरियों, मवेशियों, हिरणों और भेड़ों जैसे जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। हालांकि इस बीमारी का इलाज करने के लिए एक भी टीका अभी तक सफलतापूर्वक विकसित नहीं किया गया है, किंतु एंटीवायरल दवा रिबावरिन को इस बीमारी के इलाज में प्रभावी माना जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, तो प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हथकरघा उद्योग के बारे में लोगों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करना और सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान को रेखांकित करना। इस साल 6ठा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, जब केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय 7 अगस्त 2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक समारोह का आयोजन कर रहे हैं और इस समारोह में जिला प्रशासन कुल्लू के सहयोग से स्थापित किए जा रहे क्राफ्ट हैंडलूम विलेज कुल्लू का प्रदर्शन शामिल होगा। अबिंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती, तो 7 अगस्त 2020 को अबिंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के अवसर पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली एक वर्चुअल टूर का आयोजन करेगा, जिसका शीर्षक होगा द ग्रेट मास्टर अबिंद्रनाथ टैगोर।